हेलो, मैं हूं नवीन पुरवाल, स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। एक लंबे समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए काफी यूजफुल होगा। टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं और ये हम डेली लाइफ में बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। परिभाषा में हमने लिखा अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एंड क्लैरिफाइज अ नाउन। मीन्स किसी भी नाउन की आप विशेषता जब बताते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये एक मार्कर है, तो मार्कर इज अ नाउन। और अब इसके बारे में अगर मैं कोई भी विशेषता बताऊं, जैसे मैं कहूँ ये मार्कर जो है बहुत अच्छा है या बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है या बहुत लंबे समय तक चलने के लिए ये टिकाऊ है, तो कोई भी चीजें अगर मैं किसी नाउन के बारे में बता रहा हूं तो आप उस चीज को एडजेक्टिव में कंसीडर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल दूसरा आप ये वीडियो के लिए कह सकते हैं, जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये लगे, आपने कहा ये वीडियो काफी यूजफुल है, काफी इंफॉर्मेटिव है, तो अगर ऐसी कोई भी चीजें आप बोल रहे हैं तो वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और हर एक एडजेक्टिव जो होती है उसकी तीन डिग्रियां होती है। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, जिसको शॉर्ट में हम पीडी कहेंगे। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको शॉर्ट में हम सीडी कहेंगे। और थर्ड वन है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको शॉर्ट में हम एसडी कहेंगे। हर एक डिग्री का यूजेस अलग अलग है। अगर आप सिंपल क्वालिटी किसी की एक्सप्रेस करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर थोड़ी सी हायर क्वालिटी किसी के बारे में एक्सप्रेस करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और अगर दी हाईएस्ट क्वालिटी एक्सप्रेस करना हो तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना रहेगा। 10 मैंने कॉमन एडजेक्टिव्स लिए हैं और फिर उनको एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो आप आज का दिन गर्म है, टुडे इज अ हॉट डे हम कह सकते हैं। आज का दिन कल से ज्यादा गर्म है, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे। और हम कहेंगे ये साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन है तो हम बोलेंगे टुडे इज दी हॉटेस्ट डे ऑफ दिस ईयर। और इस डिग्री के साथ हम हमेशा जो है आर्टिकल द, पीएचई द का यूज हम करते हैं। हमारे पास 10 डिग्रीज हैं, पहले उसे हम वन बाय वन देख लेते हैं। कोल्ड, थिक, थिन, हैप्पी, गुड, बैड, लिटिल, मैनी, मच और इंटेलिजेंट। पीडी से जब आप सीडी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ईआर और एसडी में ईएसटी का यूज करना होता है। जो आप देख रहे हैं जहां हैप्पी है यहां तक हमने ये दिया है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि 90% जो है हम सीडी और एसडी, ईआर और ईएसटी लगा के करते हैं। जैसे हमने हॉट में किया, कोल्ड में कोल्डर और कोल्डेस्ट, ईआर ईएसटी लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना। देन थिकर और थिकेस्ट, ईआर लगाने से ये फिर से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना। थिन में चूंकि वॉवल आया है और जब भी वॉवल होता है तो हम लास्ट लेटर को रिपीट करते हैं, जैसे हॉट में भी हमने टी को रिपीट किया तो यहाँ एन में भी जो है ये वॉवल है, वॉवल आप सभी को पता है ई आई ओ यू, ये पांच वॉवल होते हैं, तो लास्ट वाले लेटर से पहले अगर वॉवल आता है तो लास्ट लेटर को आपको रिपीट करना है। तो ये थिन में हमने एन ई आर किया और थिनेस्ट में एन ई एस टी किया हमने, तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना। हैप्पी में से हम वाई को हटा के आई ई आर कर देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। अगर कहते हैं कि वह खुश है, ही इज हैप्पी, मैं उससे ज्यादा खुश हूं, तो कई लोग कॉमनली बहुत ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि आई एम मोर हैप्पी बोलते हैं, जबकि सही आपको बोलना चाहिए आई एम हैप्पियर देन हिम। और यहाँ जो कंपैरिजन के लिए देन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और हैप्पीएस्ट में आई ई एस टी कर देंगे हैप्पीएस्ट। इसी प्रकार और भी कोई वाई की स्पेलिंग से कोई एडजेक्टिव चालू होता है तो उसमें भी आपको आई ई आर और आई ई एस टी करना है, जैसे कॉस्टली में कॉस्टलियर और कॉस्टलियस्ट, लवली में लवलियर और लवलियस्ट। देन ये जो चार पांच हमारे पास और एडजेक्टिव है उनको आप डिफरेंट वे में ट्रीट करेंगे, क्योंकि वहां पर ई आर और ई एस टी लगाने से काम नहीं चलेगा। जैसे गुड में आप ई आर लगाएं और कहें गुडर होता है तो ये गलत है, आपको गुड का कंपैरेटिव बेटर
और सुपरलेटिव बेस्ट आपको बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार बैड माने कोई चीज बुरी है, उससे ज्यादा बुरी है तो वर्स, और सबसे ज्यादा बुरी है तो वर्स्ट हम बोलेंगे। कोई चीज छोटी है लिटिल, उससे छोटी लेस और लीस्ट। देन मच और मेनी, मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए, मेनी का यूज किया जाता है काउंटेबल के लिए। दोनों का जो कंपैरेटिव होगा वो है मोर और सुपरलेटिव होगा वो है मोस्ट। फिर लास्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है इंटेलिजेंट। और यहां पर आपको ये समझना है कि हम जो ER और EST है वो सिर्फ सिंगल सिलेबल वाले जो वर्ड हैं, सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं, उन्हीं के आगे हम लगाते हैं। सिलेबल मींस होता है खंड या टुकड़ा, किसी भी चीज का खंड जो है वो आपको देखना होता है। जैसे हॉट है तो वो एक सिलेबल वाला वर्ड है, कोल्ड एक सिलेबल वाला वर्ड है, लेकिन इंटेलिजेंट तीन सिलेबल है, इंटेलिजेंट। तो जो भी दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स हैं उनके आगे हम मोर और मोस्ट हम का इस्तेमाल करने के करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो इंटेलिजेंट माने होशियार, उससे ज्यादा होशियार तो मोर इंटेलिजेंट, और सबसे ज्यादा होशियार तो मोस्ट इंटेलिजेंट। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए सिंपली बोला कि मेरे अंकल एक अमीर इंसान है, तो माय अंकल इज अ रिच पर्सन, ये आपकी पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री हुई। देन कंपैरेटिव के अंदर आपने ईआर का इस्तेमाल किया और कहा ही इज रिचर देन योर अंकल, तो यहाँ टी एच ए एन लगाना है, कुछ लोग टी एच ई एन लगाएंगे, देन का मतलब होता है तब, लेकिन आपको टी एच ए एन का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। और लास्ट है ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस सिटी, माने आपको आर्टिकल टी एच ई द का यूज करना कंपल्सरी है यहाँ पर, क्योंकि जो भी सुपरलेटिव डिग्री आप बता रहे हैं वो सबसे सुपीरियर है, तो इसीलिए यहाँ पे आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस सिटी। अब इनमें से आप भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और मोहन सोहन से ज्यादा होशियार है तो मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, और अगर सभी से ज्यादा होशियार है क्लास में तो मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ये टॉपिक काफी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को बहुत सिंपलीफाई करें। काफी स्टूडेंट इस टॉपिक में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो एक बार फिर से इसे देखिए, और वीडियो हमारा यूजफुल लगा तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।